बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार, बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है कि सीलिंग फैन का बियरिंग कैसे निकालें। तो शुरू करते हैं अभी फटाफट कैसे निकालते हैं। ये देखिए दो बियरिंग है, एक 6200 एक नंबर है और ये 6200 दो नंबर है। तो इसके लिए पूलर चाहिए। देखिए 6200 के लिए दो नंबर के पूलर चाहिए। ये देखिए ये पूलर हमने लिया, इसके अंदर इसको बिठाया और इसको यहाँ पर सेट कर दिया। ये इसके अंदर इंसर्ट हो गया। अब ये देखिए पूरी बैरिंग के नीचे तक ये इंसर्ट हो गया। अब इसके अंदर हम इस सिलाई को, पत्ती को इसमें सेट कर देंगे। ये देखिए सेट हो गया और ये यहाँ पर ऐसे टाइट करते जाएंगे। ये देखिए ऐसे टाइट करते जाएंगे। ये देखिए ज़्यादा ज़ोर लग रहा है। इसके अंदर एक और हम ये लेंगे पाइप सा। ये देखिए कटाक सी आवाज़ आई, काफ़ी इसमें सेट थी ज़्यादा। अब ये इसमें देखिए बैरिंग अप पुलिंग हो रहा है, खींच रहा है इसमें से। ये देखिए अब इसको हम खोलेंगे और इसको टाइट करेंगे, एक ही बात है वो। देखिए बैरिंग बाहर आ गई, देख सकते हैं ये बैरिंग बाहर आ गई। अब इसको हम इस पत्ती को बाहर निकालेंगे और ये बैरिंग बाहर निकल गई। ये देखिए ये बैरिंग निकल के बाहर आ गई। अब इसको इसी तरह हमने ठोकना है। तो ये बैरिंग ये देखिए इस पर रखा और इसको ऐसे ये देखिए ऐसे सेट कर दिया। अब इसी तरह ये दूसरा बैरिंग को भी लेंगे। ये जो एक नंबर की बैरिंग है इसके लिए एक नंबर का पूलर लेंगे। ये देखिए इस हर एक बैरिंग के लिए पूलर अलग अलग आता है और इसको हम टाइट कर लेंगे। ये देखिए इसको टाइट कर लेंगे और यहाँ ये इंसर्ट कर देंगे। ये बिल्कुल नीचे तक इंसर्ट होना चाहिए। इसको बैठ गया, ये अभी बैठा नहीं है, बैठ चुका है। अब देखिए इसको भी ऐसे ही हम घुमाएंगे। ये देखिए ये लग रहा है इजी खुल जाएगा। ये देखिए ये बाहर आ गया, नहीं अभी नहीं आया, एक मिनट, ये सीधी नहीं बैठी थी। ये इसी तरह इसको ये जैसे ही हम इसको इंसर्ट करते हैं तो नीचे की पत्ती खुल जाती है। ये देखिए टाइट किया, ये देखिए इसको टाइट किया और ये देखिए ये लग रहा है निकल गई। ये बाहर नहीं आई। दोस्तों इसको निकलने में दिक्कत इसलिए हो रहा है कि इसकी बेयरिंग का नीचे का कॉलर घिस गया है, जो कि पकड़ने में दिक्कत हो रही है उसमें। ये फिर से ये देखिए अब निकली, ये आवाज़ आई अब निकली। सही से सेटिंग अगर नहीं बैठेगी, कॉलर उसका नहीं बैठेगा। ये देखिए कैसे निकलता है, ये जो कॉलर देख रहे हैं इस कॉलर से ये कॉलर जाके बेयरिंग के नीचे यहाँ ऐसे इस जब पार होती है। ये देखिए ये जैसे हम वो पत्ती ठोकते हैं तो ये कॉलर खुलती है और यहाँ पर आकर के ये टिक जाती है और इस तरह से बेयरिंग को ये खींच लेती है। ये देखिए ये बेयरिंग ये भी निकल गई। ये देखिए ये बेयरिंग ये हाथ में आ गई बेयरिंग और इसमें अब हम नई बेयरिंग लगा देते हैं। थोड़ा सा हम इसकी सफाई कर लेते हैं। ये देखिए ऊषा का पंखा है ये और इसकी भी बेयरिंग ऐसे ही हम ठोक देंगे। ये देखिए दोस्तों दोनों बेयरिंग ठुक गई। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।